दोस्तों, मैं हूँ सुनीता खराटे। आज मैं पहली बार आपके लिए पिज्जा पॉकेट रेसिपी लेके आई हूँ, तो उसके लिए लगने वाली जो सामग्री है वो देख लीजिए आप। ये कैबेज है और एक कैप्सिकम, एक ग्रीन चिली और एक धनिया, ऑनियन और कैप। तो आज अपन ये स्टार्ट करते हैं। चलो पहले थोड़ा कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक डाल देते हैं। प्याज डाल के इसमें थोड़ा कैप्सिकम डालते हैं और ये थोड़ा कैरेट डाल देते हैं, थोड़ा कैबेज डाल देते हैं, थोड़ा सा भून लेना का है इसको अच्छे से, थोड़ा कॉर्न भी डाल देते हैं। इतना हेल्दी और कलरफुल लग रहा है देखो। अभी इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा ब्लैक पेपर और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा चिली सॉस, ये टोमेटो सॉस, थोड़ा सोया सॉस, बस ये सब मिक्स कर लेने का। थोड़ा धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा पकाने का। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये कलरफुल। बस इसको थोड़ा सा अभी हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको थोड़ा अपन ठंडा करेंगे। गैस बंद कर दीजिए और इसको थोड़ा ठंडा होने को रखेंगे। अपन साइड में रख देते हैं। इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर बाद में इसमें थोड़ा चीज डालेंगे, मोजरेला चीज। ये थोड़ा ठंडा होने तक ये मैंने व्हीट ब्रेड ली है,
आप कौन सा भी ब्रेड ले सकते हैं, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। इसकी स्लाइस निकालेंगे अपन साइड के, लेकिन ब्रेड फ्रेश होना चाहिए। साइड में ये निकाल के रख देंगे। अगर ब्रेड फ्रेश नहीं रही तो फिर ये टूट जाती है। ये थोड़ा आपने स्लाइस निकाल लिया है, थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। देखो अभी कितना अच्छा हो गया ये। और इसमें जो है मोजरेला, लास्ट में थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद ये मिक्स, ये जो अपन ने वेजिटेबल्स लिए है उसमें थोड़ा सा अपन ये मोजरेला चीज ऐड करेंगे। अभी अच्छे से ठंडा हो गया है, अपना चीज भी अच्छे से मिक्स हो गया। अभी भी है इसमें, थोड़ा सा साइड से पानी लगा देने का ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। देखिए अच्छे से ये प्रेस कर देने का। ताकि कुछ बाहर इससे निकले नहीं। ऐसे अपन चार पांच कर लेंगे और फिर बाद में उसको तलेंगे। ये पॉकेट अभी हमने बना लिए हैं, इसको अच्छे से साइड से पूरा पैक करें, जो जाकि वो बाहर ना निकले, उसमें का जो मटेरियल है वो बाहर ना निकले। अच्छे से थोड़ा दबा दबा के थोड़ा उसको प्रेस करें, प्रेस करने से वो बाहर नहीं निकलेगा उसमें का। अभी अपना तेल भी गर्म हो गया है अच्छे से, अभी थोड़ा सा मीडियम आंच पे उसको अपन थोड़ा पकाएंगे। ये तेल हमारा अभी गर्म हो गया है, अभी हम इसको धीमी आंच पे अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। और उसको गोल्डन कलर आने तक अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। प्रॉपरली पैक करें तो वो जो अंदर का उसका सब्जियां है वो बाहर नहीं निकलेगी और आपका पिज्जा पॉकेट भी सही बनेगा। देखो धीमी आंच पर थोड़ा हल्का 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 उसको अपने को फ्राई करने का है। देखो इसका कलर आप देख सकते हो, आप काफी गोल्डन कलर आ गया है इसको, ऑलमोस्ट रेडी है ये सब अपना अभी पिज्जा पॉकेट बिल्कुल हो गया। अभी गैस बंद कर दीजिए। अगर इसके साइड से आप अच्छे से दबाएंगे तो फिर उसकी सब्जियां नहीं निकलेंगी, अगर नहीं दबाएंगे तो फिर वो सब्जी निकलने का चांसेस रहते हैं। देखो अपने पिज्जा पॉकेट रेडी हो गए। देखो अभी थोड़ा सा इसको मैं कट करती दिखाती हूँ। देखो रेडी टू ईट, देखो हेल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ट्राई करिए और बना के स्वाद लीजिए इसका। थैंक यू।